बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज 25वां रोज़ा है और आज अब्दुल माजिद भाई की तरफ से इफ्तारी का प्रोग्राम है। इससे पहले तकरीबन एक वीक में दो दफ़ा या एक दफ़ा जो इफ्तारी के इतने प्रोग्राम्स हुए हैं वो इस मरतबा इस तरह हुए हैं जैसे हम जब बच्चे होते थे प्रोग्राम बनाते थे कि आप अपने घर से कुछ ले आएँ और या बाज़ार से ले आएँ, यानी वन डिश टाइप। तो हम जितने भी हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं उस तरह हैं। आज उन्होंने मना किया है कि आज इस तरह नहीं, आज बिल्कुल एक घर की तरफ से होगा और जो डी खान की सौगात है सोबत होगी और यानी अब्दुल माजिद भाई की तरफ से इफ्तारी है। तो चलते हैं, तकरीबन 6 बजने वाले हैं, 6 से टाइम ऊपर है। तो मैं पहुंच चुका हूं तकरीबन 15-20 मिनट के बाद। सफ़र इतना नहीं है, फासला इतनी कि कम है, लेकिन इस टाइम रश बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी सारे ये सड़कें हैं जो कनेक्ट कर रही हैं एक दूसरे रोड से, वहां पर बहुत ज़्यादा रश होता है, ट्रैफिक स्टक होती है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। खालिद शायद कुंडी भाई आप जानते होंगे इनको, सिंपल है ज़ियाउर रहमान भाई, मैं इनसे भी ज़्यादा सिंपल और अब्दुल मालिक भाई जिसके नाम ये मेहमान है। कैसे अब्दुल मालिक भाई? आज आप मेहमान हैं, हम मेहमान हैं ये आपकी, मैंने बता दिया था पहले। नहीं, आपकी मेहरबानी है, आपने मेहरबानी का शर्त नहीं, आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें बुलाया। गारंटी को रहमान साहब, इनका जो कौन सी सुई होती है वो नहीं होती है, इनकी हाँ बिल्कुल नीचे है और इनकी भी, शायद भाई की भी। उसकी वजह ये है कि ये शायद भाई रोजाना 150 किलोमीटर का सफर करते हैं आना जाना, और इस गर्मी में सुबह से लेकर शाम तक थके हुए हैं, जो सामान आ जाए। मामा माशाल्लाह एक्टिव बैठे हुए यार, अफ्तारी के बाद ही, जबकि अफ्तारी के बाद होती यही हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर ली है और नमाज भी पढ़ ली है और अभी ये हालत है। ये देखिए कारी साहब, शाहिद भाई और ज़िया भाई, ये थोड़े से एक्टिव बैठे हैं। नासिर भाई या भतीजा माजिद भाई और खालिद भाई। तो अफ्तारी से पहले कमज़ोरी की वजह से हम लोग इस तरह होते हैं और अफ्तारी के बाद ज़्यादा खाने की वजह से फिर इस तरह होते हैं। दोनों हालत में हम इस तरह होते हैं जो कारी साहब को देख रहे हैं। ये बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं फरमा रहे हैं। इतनी मोहब्बत भरी दावत खिलाई ना, उसके बाद वो जो लस्सी पी है, लस्सी का अपना मजा होता है, खुमार चढ़े खुमार। अच्छा ये खुमार है,
नहीं, बड़ा भाई है कुमार का बुखार है।